Hey, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज सीरियसली तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। नो थैंक्स, सो मच। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। गिफ्ट? या दिस इज फॉर यू। आज क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा मन किया तुम्हारे लिए। या खोलो। ओह ब्यूटीफुल, कैसा लगा? सॉफ्ट, आई लव्ड इट। तुम इसको पहन के बहुत खूबसूरत लगोगी। तो फिर मैं ट्राई कर लूं? या श्योर। चेंज करके आऊं? या आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है। सुनो, Hey, you're looking so beautiful. Prachi, मैंने बचपन में मॉम को बहुत किया था, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसलिए उस दिन मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। I love you so much. It's okay, Arjun. मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। Even I do. मैं भी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जरूर, मैं भी ना मैं सुनना चाहता था। सही वक्त आने पर मैं जरूर बोलूंगी। Cheers guys. Cheers. Cheers to my दादाजी, जिन्होंने मुझे बचपन में शूटिंग सिखाई। गंजी, मेरा इंडिया में जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो भी स्पोर्ट्स कोटे में। तुझे पता है ना, आई लव शूटिंग्स यार, आई लव। हाँ हाँ, शूटिंग चैंपियन। बट भाई, अब तेरा आगे क्या प्लान है? आगे का पहले नेशनल खेलूंगा, फिर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल? डूड, अभी तो तेरी फील्डिंग पे ध्यान दे। कर नहीं यार, तू भी। हे गाइस, सो शूटिंग चैंपियन, ड्रिंक पियोगे भी या सिर्फ शूटिंग ही करते रहोगे? जरूर गाइस, वन मोर चीयर्स। या प्राची, टेल मी कैसा चल रहा है? ऑल गुड। ओके कम ऑन, लेट्स डांस। नहीं यार, मुझे डांस वांस नहीं आता। कम ऑन, तुम लोग जाओ ना। कम ऑन यार। अरे नहीं यार, नमस्कार, मैं हूं शिवान चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राची और अर्जुन के प्यार की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां पे अर्जुन प्राची से बेइंतहा प्यार करता है। सुबह शाम दिन रात उसको सिर्फ प्राची नजर आती है, और अपनी प्राची को खुश रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अरे
बोल दे भाई, देखो ना मैं बोल दूंगा। चुप रहे ना यार, कितने महीने हो गए, तू कब तक सिर्फ देखता रहेगा? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगी, जा कम अंदर बोल दे। तू सुन, ये दिन सही समय आएगा ना, मैं उसको बोल दूंगा और तेरे सामने बोलूंगा मैं। भाई देख, प्यार का भी सही समय होता है। रंजीत यार, हेलो मासी। प्राची, क्या तुमने रोज रोज का नाटक लगा रखा है लेट आने का? मासी अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्राची, हम तुम्हारा लेट नाइट तक वेट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप लोग सो जाइए, मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाऊंगी। ओके बाय। किसका फोन था? अरे ये मासी का फोन था। यू नो ना, उन्हें मेरा मॉडलिंग करियर बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट से आना, ये वो, रोज की चिक चिक। यार मेरे घर में भी ना दादाजी के अलावा मुझे कोई नहीं समझता। एनीवेज, तुम अपना मूड क्यों खराब करते हो? लेट्स हैव सम मोर ड्रिंक्स ना। नो 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 यार, बहुत हो गया यार, चलो घर चलते हैं। हाँ चलते चलो जीत, चलो क्या हुआ? अपने फ्रेंड्स को कॉल किया? ओ बात करते करते मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, अभी कर लेती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कर लो। हेलो, हाँ क्या हुआ, तेरा शूट हो गया? ओ और अंजू का? ओके नहीं नहीं चल ठीक है, इट्स ओके, चल बाय, टेक केयर। क्या हुआ? आई थिंक उनका शूट थोड़ा और देर चलेगा, सो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। मेरा घर ना पास में ही है, वहाँ चलते हैं। नो I don't want you to trouble, okay? मैं कुछ मैनेज कर लूंगी यार। इसमें क्या दिक्कत है? हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी फ्रेंड के सेट पे चलते हैं, वहाँ जाके वेट कर लेंगे। Really? Are you joking? No, no. इससे अच्छा है हम तुम्हारे घर चलते हैं। Yes. Good decision ना? चले? Yes. चल। This is my house. Wow, beautiful yaar, beautiful interiors. तुम्हारी तरह। वो क्या है? वो गन है। ये तुम्हारी है? Of course मेरी है, और किसकी होगी? असली है। अरे पापा असली है, चल जाएगी।
तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारूंगी? अक्सर खूबसूरत लड़कियां ना मार देती हैं। वेल, अगर ये तुम्हारी चीज है तो मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। हाँ, थैंक यू। है वैसे खूबसूरत। यस, तुम्हारी तरह ना। सुनो, अगर तुम्हें फ्रेश होना ना तो राइट साइड में वॉशरूम है। या श्योर, आई थिंक आई शुड गो। तुम मेरे साथ वॉशरूम? नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या ड्रिंक पियोगे। आई थिंक वाइन वुड बी फाइन फॉर मी। ओके, ठीक है। जब तक तुम फ्रेश होके आओ मैं रेडी रहता हूँ। श्योर, ओके। This is for you. Thank you. Cheers. Cheers. तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। तुम्हें कौन सा चैनल पसंद है हमारा? मुझे जी स्टूडियो। ओके, मुझे तो ज़्यादातर बॉलीवुड सिनेमा ही पसंद है। वो भी अच्छी होती कुछ रोमांटिक मूवीज। Just excuse me. Yeah. Sure. हाय। हाँ अंजू, तू फ्री हो गई क्या? ओ अरे यार, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं सेट पे ही आ जाती हूँ। सेट पे आके वेट कर लूँगी। या ओके बाय। ऑल ओके ना? अरे एक्चुअली मेरी फ्रेंड अभी भी बिजी है, तो कोई बात नहीं है, मैं उसके सेट पे उसका वेट कर लूंगी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, यू रियली मेड मी फील कंफर्टेबल, एंड बाय द वे ब्यूटीफुल हाउस। सो अरे यार देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ रुक सकती हो। देखो तुम मेरे रूम में सो जाना, मैं सोफे में सो जाऊंगा। बट इसमें सोचना क्या है यार, इसे अपना ही घर समझो। ओके, चीयर्स अगेन। चीयर्स। खुदाई मिली।
प्राची 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 यार प्राची 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 अरे कहाँ गई यार You are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Happy birthday. Hi, thank you. Thanks for coming. It's my pleasure. Or? Best pleasure. You? Just a minute. Okay. Hi, Arjun. Hi, Prachi. How are you? Good. And you? I'm so sorry, Arjun. Us din main tumhe call back nahi kar payi. It's okay, Riya. Okay, are you sure? हाँ अर्जुन मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है हाँ बोलो ना एक्चुअली उस दिन मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ और अर्जुन आई हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड यू नो आई फील लाइक ड्रीम आई थिंक आई लव यू अर्जुन I hope तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? No Arjun, I mean it. I love you. I really love you. I love you Arjun. I love you too. हाँ बेबी कहाँ हो तुम बेबी आई एम सो सॉरी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ एक्चुअली ना मैं आ नहीं पाऊंगी कितना टाइम हो लगेगा अरे एक्चुअली क्या हुआ ना मेरे अंकल की माँ की तबीयत खराब हो गई है और मैं निकलने की कोशिश कर रही थी तब तक मासी ना इशू बना रही है यार यू नो ना बेबी हाउ इट इज़
तुम समझते हो ना मुझे। कोई बात नहीं है बेबी, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके बाय, टेक केयर बेबी। बाय, टेक केयर। कमाल करती हो प्राची। एक बात बताएं तुम्हें, तुम्हारी मौसी तुम्हारे बारे में एकदम सही कहती है। अच्छा ये बताओ, वो आदमी तुम सब पहले से जानती हो या अभी अभी? मैं इस बारे में बाद में बात करती हूँ तुमसे। जाते जाते एक बात तो बताती जाओ, और ऐसे कितने आशिक हैं तुम्हारे? Loved you. और अगर तुमने भी मुझसे प्यार किया होता ना, तो इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करते। तुम यहाँ? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, क्या समझते हो? तुम्हारे जैसा इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है? अच्छा, ये बात तुम मुझे बोल रही हो? ये देखो। क्या देखूं? ये देखो तुम पहले। ये फोटो, ये मेरे कजिन मौसा है जिनके साथ तुमने मुझे कलवा क्लब में देखा था और मुझ पर शक किया था। मैं ये फोटो सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूं ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। प्राची, प्राची, I'm so sorry, प्राची. No, it's over, Arjun. No, Prachi. अब कुछ नहीं हो सकता अर्जुन, अब कुछ नहीं हो सकता है। I think you have lost me. No, प्राची, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, जिसके साथ घूमना है वहां घूमो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। Because I love you ना यार, I love you. I just hope तुम change करोगे अपने आप। हाँ, पहली बदल के दिखाऊंगा, बस मुझे एक चांस दे दो। I love you so much. I love you too. तुम तो छोड़ के बचाना।
हे काजी, क्या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आज। सीरियसली आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। नो थैंक्स। आई लव यू टू। आई लव यू टू सो मच। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या? गिफ्ट? या दिस इज फॉर यू। आज क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा मन किया तुम्हारे लिए। या खोलो। ओ ब्यूटीफुल। कैसा लगा? सॉफ्ट। आई लव्ड इट। तुम इसको पहन के बहुत खूबसूरत लगोगी। तो फिर मैं ट्राई कर लूं? या श्योर। सुनो, हे You're looking so beautiful. Prachi, मैंने बचपन में मॉम को बहुत किया था, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसलिए उस दिन मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। I love you so much. It's okay, Arjun. मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो. Even I do. मैं भी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जरूर, मैं सुनना चाहता था। सही वक्त आने पर मैं जरूर बोलूँगी। मुझे कैसा लगा तुम्हें? है ना, तुम पहली बार आई हो ना मेरे साथ। हाँ, तुम कुछ बोलने वाली थी मुझे। हाँ अर्जुन। हाँ बोलो ना। एक्चुअली मैं अपना मॉडलिंग करियर शुरू करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और कुछ ही दिनों में उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अर्जुन, मैं अपने मौसा मौसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं रहती हूँ। उस हादसे के बाद से मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? अब बताओ ना, क्या बात हुई? मेरे मौसा। क्या हुआ बोलो। मेरे मौसा मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं। आपको मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। कई बार छुआ भी है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता मौसी भी ये सब नहीं जानती। मैं क्या करूं आज? मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जल्द ही मैं तुम्हें वहाँ से निकाल भी लूँगा। फिर हम दोनों एक साथ साथ रहेंगे हमेशा के लिए। सच? क्या I love you so much. घर आ गया। अच्छा। सुनो, जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मैं तुमसे एक कॉल दूर हूँ। बिल्कुल। पक्का? थैंक यू। थैंक यू किस बात का? मैं जाऊँ? मन नहीं है। ठीक है, मैं जा। पक्का? ठीक है, ध्यान रखना। बाय। गुड नाइट।
बाय। हेलो हेलो अर्जुन, अर्जुन घर में कोई नहीं है और मौसा, राथी राथी, राची राची राची, प्राची प्राची दरवाजा खोलो प्राची। प्लीज दरवाजा खोलो प्राची, प्राची दरवाजा खोलो प्लीज, प्राची दरवाजा खोलो प्लीज प्राची। इतना बड़ा शूटिंग चैंपियन अर्जुन शेखावत आज रो रहा है। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। थैंक यू सो मच अर्जुन। प्यार माय फुट। तुम तो मेरे एक गेम प्लान का बस एक छोटा सा प्यादा थे। मेरे मौसा को मैंने मारने का तब सोच लिया था जिस दिन उन्होंने मेरे लिए विल बना दी थी। आओ प्राची बैठो। मासी बाहर गई है। ये रही आपकी नई व्हील। तुम्हें पसंद आएगी। इसकी इसकी क्या जरूरत थी? मेरी जरूरत तो सिर्फ आप हैं।
और जिसे तुम मेरा मौसा समझ रहे थे, खैर वो मेरे मौसा थे भी नहीं, उन्होंने मुझे बस एक अडॉप्ट किया था। इत्तेफाक देखो, ये तुम्हारे जैसा बेवकूफ जो प्यार में पागल है, उससे अच्छा बेहतर कौन हो सकता है? हाँ? और तुम्हें तो पता है कि मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मर चुके हैं, तो आजकल फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है ना, ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है मिस्टर अर्जुन शेखावत? हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। अगर कोई आपका अपना आपका भरोसा तोड़ देता है तो आप खुद भी टूट जाते हैं। ऐसे हालत में अर्जुन ने जो किया, अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मैं शिवांग चौधरी, आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।